नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, આપની સાથે પૃથા લેચે ગઈ સમાચાર સુપર ફાસ્ટ પર। રાજ્યમાં 8600 ની ગ્રામ પંચાયતો માટે મતદાન શરૂ। સરપંચ પદ માટે 27200 ઉમેદવારો મેદાને, 1165 ગ્રામ પંચાયતો બિનહરી। નવસારીમાં આચારસંહિતા ભંગનો આરોપ, સંવેદનશીલ કેન્દ્ર ઉપર થયો છે આચારસંહિતો ભંગ। ચીખલીમાં ચૂંટણી દરમિયાન આચારસંહિતાનો ભંગ। वंकार गामना सरपंच उम्मीदवार पर आरोप, दक्षाबेन पटेले पोताना नाम अने चिन्ह वाळो एर बलून हवामा यथावत राख्यो। मतदान मथक थी 500 मीटर ना अंतरे हवामा मुकाववामा आव्यो छे आ एर बलून। सूरतना वाडोलीनी तेन ग्राम पंचायत में विवाद, मतदाननी आगली रात्रे ज दारू आपवानो आरोप छे। सरपंच उम्मीदवार अने अन्य सभ्य पर आक्षेप करी देवाता विवाद सर्जायो हतो। मामलो गरवादा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, समग्र घटना बाबते पुलिस से नोंधियो छे गुनो। वीडियो सोशल मीडिया में थयो छे वायरल। साबरकांठा ग्राम पंचायत की चूंटणी में मतदारों ने रिझवा साड़ी नु वितरण कर्यानो वीडियो थयो छे वायरल। महिलाओं ने साड़ी आपी अने चोक्कस व्यक्ति ने मत आपवा करवामां आवे छे दबाण। न्यूज 18 नथी करी रह्यु आ वीडियो नी कोई पुष्टि। भरूचना वालियाना डहेली गामे चूंटणी में बे जूथों वच्चे धींगाणु, 5 થી વધારે લોકોએ ઘાયલ થયા છે। तमाम घायलों ने सारवार हेठळ खसेडवामां आव्या। गाममां चुस्त पोलीस बंदोबस्त गोठवायो। ताबीमां ग्राम पंचायतनी चूंटणीमां व्यारणा धारासभ્યએ मतदान कर्युं। पोताना गामनी करंजवेल ग्राम पंचायतमां बैठक माटे सरपंच अने सभ्यपद माटे कर्युं छे मतदान। सूरतमां चलठाण खाते शांतिपूर्ण माहोलमां मतदान। चलठाण खाते 90 वर्षीय वृद्धाए मतदान कर्युं। वहेली सवारथी लोको मतदान मथक पर पहोंच्या हता। खेड़ाना महेमदाबाद में आवेला काछियाई गाम में मतदान रोकवामां आव्यु हतु। चिन्हानी तकलीफ ने कारण 30 मिनिट माटे मतदान रोकायु हतु। 11 वोट माटे रोकायु हतु मतदान। दसक्रोई तालुकाना विसलपुर गाम में मतदान। गाम में रोटेशन मुजब स्त्री सामान्य बैठक। सरपंच पद माटे 5 उम्मीदवारो मैदान छे। कुल 10 वोर्ड माटे 18 सभ्यो मैदान छे। गाम में 3470 मतदारों करशे मतदान। ग्राम पंचायत की चूंटणी में मतदारों में भारे उत्साह। कड़कड़ती ठंडी में मतदारों की लांबी कतार। गोठवी ग्राम पंचायत में चूंटणी में मतदाताओं में भारे उत्साह। अमदावाद की शेला ग्राम पंचायत की चूंटणी, शेला गाम में कुल 5900 मतदारों से, जयरे गाम में 2700 और सोसायटी विस्तार 3247 मतदार। गीर सोमनाथ जिला की 288 ग्राम पंचायत की चूंटनी मतदान, 3 पेटा चूंटनी जारे 285 की सामान्य चूंटनी है। जिला तमाम गामों में शांतिपूर्ण रीते मतदान चालू। पाटण जिला में 152 सरपंच 463 उम्मीदवारों मैदान में है। 422 वोर्ड सभ्यों 968 उम्मीदवारों मैदान में। जिला में 470 मतदान मथकों पर मतदान की प्रक्रिया। मोरबी में 197 ग्राम पंचायत की चूंटणी माटे मतदान। मतदान करवा माटे लोको मा भारे उत्साह। वहेली सवारथी मतदान माटे लाइनो। द्वारका में ग्राम पंचायत की चूंटणी माटे मतदान। शक्तिनगर पंचायत माटे मतदान। अति संवेदनशील पंचायत होवाथी पोलीस बंदोबस्त। शक्तिनगर विस्तार ना बूथों पर मतदारों ओछा अने सिक्युरिटी वधारे जोवा मळी। द्वारका जिला की 128 ग्राम पंचायत की चूंटणी, 18 ग्राम पंचायत की पेटा चूंटणी माटे मतदान। चुस्त बंदोबस्त वच्चे मतदान। चूंटणी ने लेने मतदारों में भारे उत्साह। सरपंच पद माटे 341 उम्मीदवारों मैदान। राजकोट जिला ना जेतपुर में ग्राम पंचायत की चूंटणी मतदान। जेतपुर तालुका में कुल 48 ग्राम पंचायत और 1 गाम में पेटा चूंटणी माटे मतदान। पूर्व मंत्री जशुबेन कोराटे पोताना वतन सांकळी में मतदान कर्युं। वडोदरा में 260 ग्राम पंचायतों की सामान्य चूंटणी, सरपंच की 255 बैठक पर 847 उम्मीदवारों मैदाने छे। जयरे सरपंच 34 और सभ्यों 886 उम्मीदवारों बिनहरीफ। जयरे 27 ग्राम पंचायतों समरस। नवसारी जिला में आज 273 ग्राम पंचायत की चूंटणी। जिला में 823 मतदान मथक पर चूंटणी, जेमा 107 संवेदनशील मतदान मथक। छोटाउदेपुर में विपक्ष नेता सुखराम राठवाए कर्युं मतदान। क्वांट तालुकाना जांबली गामे मतदान कर्युं। राठवाए कह्युं के आवनारा विधानसभाथी लई अने भाजपमां कोंग्रेस माटे लिटमस टेस्ट। कठलाल तालुकानी 49 ग्राम पंचायतोनी आजे चूंटणी। तमाम मतदान केन्द्रों पर कोरोना गाइडलाइन मुजब चूंटणीनुं आयोजन। मास्क अने सेनिटाइजरनो उपयोग थई रह्यो छे। साबरकांठामां 260 ग्राम पंचायतोनी चूंटणी, 63 पेटा ग्राम पंचायतोनी चूंटणीनो जंग। सरपंच पद माटे 224 उम्मेदवारो, 4093 जेटला चूंटणी स्टाफ की कामगीरी।
दाहोद जिला की 324 ग्राम पंचायत और 3 ग्राम पंचायतों की पेटा चूंटनी कुल 327 ग्राम पंचायत की चूंटनी 980 मतदान मथकों पर मतदान। मोरबी जिला में 197 ग्राम पंचायतों माटे चूंटनी जिला में चालू वर्षे 303 ग्राम पंचायत की चूंटनी जाहिर करवामां आवी हती तेमांथी 71 ग्राम पंचायत समरस जाहिर थई। जूनागढ़ जिला ना 9 तालुका में 338 मतदान मथकों पर चूंटनी 787 मतदान मथकों पर मतदान 5.81 लाख मतदारों मताधिकार नो करशे उपयोग 256 जेटला संवेदनशील 164 अति संवेदनशील मतदान मथक। नर्मदा जिला में 184 ग्राम पंचायतों माटे चूंटनी जिला में 535 मतदान मथकों पर चूंटनी 98 संवेदनशील 12 अति संवेदनशील मतदान मथक। चूंटनी में 1,69,440 पुरुष मतदारों जारे 1,64,440 महिला उम्मीदवारों। खेड़ा में 10 तालुका 470 ग्राम पंचायत माटे मतदान 9,92,000 ग्रामीण मतदारों करशे मतदान बैलेट पेपर द्वारा मतदान। तापी ग्राम पंचायत की चूंटी में व्यारा धारासभ्य पुनाजी गामिते कर्यु मतदान गामनी करंजवेल ग्राम पंचायत की बैठक माटे सरपंच और सभ्य पद माटे कर्यु मतदान। भावनगर जिला में कुल 437 ग्राम पंचायत की चूंटी जेमांथी 70 ग्राम पंचायत समरस जाहिर थी तो 244 ग्राम पंचायत माटे आज मतदान। जामनगर में 118 ग्राम पंचायत की चूंटनी 118 ग्राम पंचायतों में सामान्य चूंटनी 10 ग्राम पंचायत में पेटा चूंटनी 1 ग्राम पंचायत में मध्य सत्र चूंटनी है। चूंटनी प्रक्रिया में 56 चूंटनी अधिकारी 1692 कर्मचारी 552 जेटला सुरक्षा कर्मचारी तैनात सरपंच पद माटे 116 और सभ्य माटे 697 उम्मीदवारों चूंटनी मैदाने 2,06,000 मताधिकारों मताधिकारों करशे उपयोग। अरवली में ग्राम पंचायत की चूंटनी गामडाओं में मतदान ने लेने उत्साह महिला मतदारों में भारे उत्साह। साबरकांठा जिला में सवारे 7 वाग्या थी मतदान हिम्मतनगर ना हडियोल गाम में मतदारों मतदान मथक पर पहुंचा जिला की 228 ग्राम पंचायत ना सभ्य अने सरपंच माटे चूंटनी। सुरेन्द्रनगर में 390 ग्राम पंचायतों की चूंटनी खेराली ग्राम पंचायत में मतदान माटे जोवा मळ्यो छे मतदारों में उत्साह कोरोना गाइडलाइन मुजब मतदान बोर्ड सभ्य माटे कुल 2,938 उम्मीदवार उम्मीदवार। दाहोद में 327 ग्राम पंचायत माटे मतदान अति संवेदनशील एवं संजेली तेमज धानपुर तालुका पर पुलिस बंदोबस्त 4,000 उपरांत पुलिसकर्मी फरज पर तैनात। सूरत जिला में 9 तालुका वड़ी 407 ग्राम पंचायतों माटे मतदान जिला में 391 सरपंच 2,539 सभ्य माटे मतदान। अरवली में 193 ग्राम पंचायतों पर 190 सरपंचों वच्चे चूंटनी जंग तो बोर्ड की बैठक में 835 उम्मीदवारों वच्चे चूंटनी जंग जिला 6 तालुका मथकों पर 639 मतदान मथकों पर चूंटनी। મહેસાણા જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી માટે મતદાન 162 ગ્રામ પંચાયતમાંથી 42 સમરસ 13 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં સરપંચ અને સભ્ય માટે ચૂંટણી। કચ્છની 361 ગ્રામ પંચાયત માટે મતદાન કચ્છમાં 482 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી જાહેર જેમાંથી 121 બિનહરીફ 361 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું મતદાન ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે ઉત્સાહ। बनासकांठा में केनाल में गाबड़ू रवि सीजन में खेडूतों ने सिंचाई माटे पानी छोड़ाता नी साथे ज केनाल में गाबड़ू पड़ू केनाल नू पानी आजूबाजू खेतरों में फरी वळता खेडूतों ने मोटू नुकसान। छोटाउदेपुर जंडियारा में प्राथमिक शाला में शाला मकान ज नहीं 1-4 धोरण 56 विद्यार्थी गामना एक ज सज्जने पोताना मकान की अडाड़ी में बेसवा सहमति आपी थी जारे कड़कड़ती ठंडी में खुला में बेसी बाळकों भणवा मजबूर। कुंडल स्वामीनारायण मंदिर द्वारा स्वामीनारायण धार्मिक कार्यक्रम आयोजन कर स्वामीनारायण संप्रदाय इतिहास में प्रथमवार आ आयोजन कर 170 गामों में 7,070 स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति लापा मूर्ति में अलग अलग प्रकार शणगार साथ विशेष आयोजन कर कार्यक्रमों अहवाल विश्व विक्रम जाहिर करने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड में मोकलवा। सूरत पुलिस द्वारा 3 दिवस नेशनल पावर लिफ्टिंग आयोजन कर गुजरात भाजप प्रदेश प्रमुख युवाओं उत्साह वधारवा पहुंचा गुजरात सहित 14 राज्यों कुल 650 जेटला खिलाड़ियों लीधो भाग।
थोराक्सी एंडोस्कोपी कॉन्फरेंस टेस्कोन 2020 में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति। सीएमए कहूं कि कोरोना काल में पल्मोनोलॉजिस्ट और समग्र तबीब जगत की सेवाओं मानव समाज माटे ईश्वर जेवी पुरवार थी। गुजरात में वधतुं ठंडीनुं जोर, कच्छ में हाड़ थीजवती ठंडी पड़ी। कच्छ और सौराष्ट्र में तीव्र ठंडी की आगाही, नलिया 2.5 डिग्री साथ सौथी ठंडू गात। राज्य 48 कलाक कोल्ड वेव की आगाही, तापमान हजी 3 डिग्री सुधी गगड़शे। नलिया में 2 और अमदावाद में 8 डिग्री तापमान रहेवानी आगाही। भूज महेसाणा में 6 डिग्री आसपास तापमान रहेवानी शक्यता। पालनपुर हिम्मतनगर में 6 डिग्री तापमान की शक्यता। नलिया अमदावाद सूरत सहित समग्र राज्यभर में शीतलहर। अंबाजी में कातिल ठंडी नो केर, कातिल ठंडी वच्चे मतदान। अंबाजी में छवाई बर्फ की चादर। भावनगर शहर में महानगरपालिका की ड्राइव, कड़कड़ती ठंडी में रस्ता पर उमता लोगों ने शोधी शेल्टर होम पहुंचाड़वामां आव्या। शहर ना 4 शेल्टर होम छे, ज्यारे 480 की क्षमता साथ 230 जेटला निराधार लोगों ने रखाया। अमदावाद में गेम रमवामां मित्र बनेला युवक साथे मळी अने पुत्राए करी पोताना ज घरमां चोरी। पिताए तेना पुत्र अने मित्र सामे फरियाद नोंधावी छे। पुत्राए पिताना 2 लाख रूपियानी चोरी करी अने तेना मित्रने आप्या हता। ओढो पोलीसे 2 लोको सामे फरियाद दाखल। अमदावादना माधुपुरामां अजाण्या व्यक्तिए गाड़ीने आग चांपी नुकसान पहोंचाड्यु। माधुपुरा पोलीसे गुनो दाखल कर्यो। अमदावाद में ओइल टपकतु होवानु कही गठियाओ 1.50 लाख ना लेपटॉप की चोरी करी छे। लेपटॉप पर चोरी गठियाओ थया फरार हता। रामोल पोलीस स्टेशन में फरियाद दाखल। अमदावाद वेजलपुर में एक युवके युवती ने पोतानी साथे बातचीत करवा माटे कर्यु दबाण। एटलू ज नहीं, युवती पर एसिड छाटवानी पण आपी छे धमकी। वेजलपुर पोलीसे शुरू करी तपास। पंचमहाल हालोल में 5 जेटला स्केपना गोडाउन में आग लागी छे। ज्यारे हालोल कालोल 4 फायर फाइटर की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। आग पर काबू मेळव्यो हतो। पंचमहाल गोधरा दाहोद हाईवे पर संतरोड नजीक 2 कार में आग। आग लागवा पाछळनुं कारण हजी अकबंध। आगळ पाछळ भटकाता बंने कार में आग लागी हती। आगनी घटना में 3 व्यक्तिओनो आबाद बचाव। आग में बंने कार बळी अने खाक। गांधीनगर सेक्टर 1 में रहता 15 वर्षीय किशोर ओमिक्रॉन पॉजिटिव। लंडन से आया बाद ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिलो दर्दी। परिवार ना बाकी ना 4 सभ्यों ना रिपोर्ट नेगेटिव। आणंद जिला में पण ओमिक्रॉन की एंट्री। आणंद में नोंधायो ओमिक्रॉन नो केस। आणंद ना आरोग्य विभागे करी छे पुष्टि। यूके थी आवेला प्रवासी जणाव्या हता लक्षणों। 15 डिसेम्बरे यूके थी आव्या हता। मूळ आणंदना वतनी छे दर्दी। प्रवासी ने अमदावाद सिविल में सारवार हेठळ खसेडाया। राज्य में ओमिक्रॉन ना वधु 3 केस। गांधीनगर, सूरत अने आणंद में नोंधाया छे केस। केन्या थी आवेला 1 व्यक्ति नो रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव। राज्य में ओमिक्रॉन नो आंकड़ो 10 पर पहोंच्यो। सूरत में ओमिक्रॉन ना वधु 2 शंकास्पद केस आव्या छे सामे। केन्या नो एक युवान सूरत आव्यो हतो। होटल में रोकाया बाद लक्षण देखाया हता। तंत्र द्वारा आइसोलेशन वोर्ड में दाखल करायो छे। वधु 1 महिला नो शंकास्पद केस आवता हॉस्पिटल में दाखल कराई। गुजरात में कोरोना ना केस में सतत वधारो। छेल्ला 24 कलाक में राज्य में कोरोना ना 68 केस आव्या छे सामे। कोरोना थी 1 पण दर्दी नो मृत्यु नहीं। राज्य में हाल 575 थी वधारे एक्टिव केस। सौथी वधु वडोदरा में कोरोना ना नवा 15 केस आव्या छे सामे। तो अमदावाद में 14 केस नोंधा। सूरत में 9, ज्यारे राजकोट में नवा 8 दर्दी आव्या पॉजिटिव। आणंद अने नवसारी में 4-4 केस आव्या सामे। समाचार सुपरफास्ट बाद समय थो विराम। वेलकम बेक। आगळ नजर करे समाचार सुपरफास्ट पर। सूरतना पांडेसरा जूनी अदावत में 2 युवक की हत्या करवामां आवी। तीक्ष्ण हत्याना काजीकी कराई हत्या। हत्यारा फरार था। पोलीसे शुरू करी तपास। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेवा माटे पीएम मोदी जशे गोवा। 650 करोड़ थी वधु ने विकासनी परियोजना नु करशे उद्घाटन अने शिलान्यास। बेडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांते स्पेन में चाली रहेला वर्ल्ड बेडमिंटन चैम्पियनशिप की फाइनल में पहुंची। गोल्ड माटे आजे थशे मुकाबलो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवते सरकार पर आरएसएस रिमोट कंट्रोल नो कर्यो छे इंकार। हिमाचल एक कार्यक्रम में कहूं कि सरकार पर लोगों ना विचार अने मूल्यों पर संघ नो प्रभाव अपसाउंड छे।
अमृतसर हरमंदिर साहिब में अपमान प्रयास, पवित्र स्थान में घुसवा आरोपी ने मार मार्यो। कांग्रेस षड्यंत्र की आशंका व्यक्त की। बीजेपी तेज कर्यु चूंटणी अभियान, मेनिफेस्टो केवो होवो जोईए ते अंगे लोकोने सूचना मेळवा 41 जेटला रथ रवाना करवामां आव्या। पीएमना महत्वाकांक्षी ऑल वेधर रोड प्रोजेक्ट पर हरीश रावतनुं निवेदन, आ नामनो कोई प्रोजेक्ट नथी, आ चार धामनी सड़कोनुं सुधारीकरण छे जे मैं शुरू कर्युं हतुं। मथुरा वृंदावन ने स्मार्ट सिटी बनावाने दिशामां काम शुरू छे, जेमां स्मार्ट मार्ग सड़कों बनावानुं काम शुरू, रस्ता पहोळा करवा अने तेना सौंदर्यकरणनी साथे साथे सीसीटीवी कैमेरा पण लगावानुं काम शुरू। तो बीजी तरफ परिक्रमा मार्ग पर पगपाळा यात्रीओ माटे पथ बनावामां आव्यो, ठेर ठेर तीर्थयात्रीओ माटे वाईफाई नी व्यवस्था पण करवामां आवी। चोर बजार थी मशहूर मेरठना सोतीगंज मार्केट पर योगी सरकार की लालाक, अंदाजे 500 जेटली दुकानों कराई चीपंद। एसपीए कहू कि क्राइम रोको परंतु लोगों ने आतंकित करी अने रोजगारी न छीनवाई। यूपीना चांदोली में एकज परिवार ना बे जूथ वच्चे थयुं हतुं फायरिंग, सीसीटीवी में कैद थई समग्र घटना। प्रोपर्टी ने लईने जूना विवाद में मारामारी थई हती अने त्यारबाद वात में फायरिंग थयुं हतुं। फायरिंग में केटलाक लोकोने इजा पहोंची छे, जेने हाल सारवार हेठळ खसेडवामां आव्या। आ घटनामां अंदाजे 10-15 राउंड फायरिंग करवामां आव्युं। छत्तीसगढ़ना भिलाईना पूर्व मंत्री अने बीजेपीना नेता ट्राफिक जाम में फसाता भड़क्या। ब्रुजमोहन अग्रवाल हाईवे पर ट्राफिक जाम में फसाता बेरिकेडिंग पर हल्लाबोल कर्यो। गंगा आरती ने जे उधमपुर देविका घाट पर आरती की शुरुआत करवामां आवी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रथम आरती में उपस्थित रहा था। देविका ने गंगा की नानी बहन रूप में मानवामां आवे छे। महाराष्ट्र नागपुर में ट्राफिक नियमों तोड़वाना आरोप में एक कार सवार विरुद्ध कार्यवाही। ट्राफिक पुलिस कार चालक ने रोकता कार चालके चढ़ावी दीधी ट्राफिक पुलिस पर कार। कार चालके ट्राफिक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ावानो प्रयास करता कर्मचारी कार पर चढ़ी गयो और कार चालक तेने दूर सुधी लई गयो हतो, जो कि त्यारबाद में कार चालक विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवी। प्रधानमंत्री मोदी यूपी शाहजहांपुर में 36 हजार करोड़ खर्चे बंडार गंगा एक्सप्रेस वे कर शिलान्यास। विपक्ष पर प्रहार करता कहू कि पहला की सरकारें मात्र पोतानी तिजोरी भरी। भारते ओडिशा दरियाकांठे अग्निप्राय मिसाइल सफलतापूर्ण परीक्षण कर 1000-2000 किमी वच्चे मारक क्षमता है, जारी उपराष्ट्रपति डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने आपी थी शुभेच्छा। पहाड़ों पर हिमवर्षा थी उत्तर भारत में मैदानी विस्तारों में पारो गगड़ो। हवामान विभागे राजस्थान पंजाब और हरियाणा में 21 डिसेम्बर सुधी शीतलहर अनुमान व्यक्त कर। हिमाचल प्रदेश मनाली में सीजन की पहली हिमवर्षा थी, तंत्रे पर्यटकों ने ऊंचाई वाला विस्तारों पर न जवा आपी सलाह। हिमाचल प्रदेश केटलाय जिल्लाओं में हिमवर्षा, राजधानी शिमला सहित 6 शहरों में तापमान शून्य थी पण नीचू। कड़कड़ती ठंडी में मौसम की मजा लेता नजरे पड़ा। शिमला में ठंडीए छेल्ला 5 वर्षो रेकॉर्ड तोड़ो, તેમ છતાં શિમલા અને મનાલી સહિત કેટલાય જિલ્લાઓમાં પ્રવાસીઓ પહોંચી રહ્યા છે, જેથી ક્રિસમસ અને નવા વર્ષની હિમવર્ષા જોઈ શકે। વિશ્વમાં કોરોના વાયરસના કુલ 27,45,36,000થી વધારે કેસ, અત્યાર સુધીમાં 53,66,000થી વધારે લોકોના થયા છે મૃત્યુ, તો 24,63,00,000થી વધારે લોકો થયા રિકવર। અમેરિકામાં કોરોના વાયરસના કુલ 5,16,00,000થી વધારે કેસ નોંધાયા, અત્યાર સુધીમાં 8,27,000થી વધારે લોકોના થયા છે મૃત્યુ, 4,05,00,000થી વધારે લોકોએ કોરોનાને આપી માત। બ્રાઝિલમાં કોરોના વાયરસના કુલ 2,22,00,000થી વધારે કેસ, 6,17,000થી વધારે લોકોના થયા છે મૃત્યુ, 2,14,00,000થી વધારે લોકો થયા રિકવર। રશિયામાં કોરોના વાયરસના કુલ કેસ 1,01,86,000ને પણ પાર, કોરોનાને કારણે 2,96,000થી વધારે લોકોના થયા છે મૃત્યુ, 89,52,000થી વધારે લોકો થયા અસ્વસ્થ। फ्रांस में कोरोना ना कुल 85,77,000થી પણ વધારે કેસ, અત્યાર સુધીમાં 1,21,000થી વધારે લોકોના થયા છે મૃત્યુ, 74,98,000થી વધારે લોકોએ કોરોનાને આપી માત। અમેરિકામાં ઓમિક્રોનના કેસમાં સતત વધારો, અત્યાર સુધીમાં 44 રાજ્યોમાં થઈ છે પુષ્ટિ। બ્રિટનમાં પણ કોરોનાએ ફરી પગ ફેરાવ્યો, રેકોર્ડ 90,000થી પણ વધારે કેસ નોંધા। દક્ષિણ અમેરિકી દેશ પેરુમાં ક્રિસમસનો જશ્ન શરૂ કરવામાં આવ્યો, ત્યાંના લીમાના એક પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં સ્ટાફ સાન્તાક્લોઝના કપડાં પહેરી અને પ્રાણીઓને ક્રિસમસની ભેટ આપી।
પ્રાણીઓ માટે તેમની મનપસંદ ચીજોની સાથે રમકડા પણ હતા. જિરાફ હોય કે સિંહ, તેઓને તેમની પસંદનું ભોજન આપવામાં આવ્યું. પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં બાળકો માટે ગેમ્સ પણ રાખવામાં આવી હતી, જેથી તેઓ તેનો લુફ્ત ઉઠાવી શકે. આ સાથે જ હાજર લોકો સાથે સાંતાક્લોઝે પણ આવ્યા ફોટા. ઉત્તર કોરિયાના શાસક કિમ જોંગ ઉને 11 દિવસ સુધી ખુશી મનાવવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. વર્ષ 2011માં કિમના પિતા અને પૂર્વ નેતા કિમ જોંગ ઇલનું થયું હતું નિધન. તેઓની 10મી તિથિ ઉપર લોકોને શોકમાં ડૂબવાનું ફરમાન જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ખુદ કિમ જોંગ ઉન ગમગીન જોવા મળ્યા હતા અને તેઓએ અશ્રુભીની આંખે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. તમામ લોકોએ કાર્યક્રમમાં અશ્રુભીની આંખો સાથે ઝૂકી અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. તો કિમ જોંગ ઇલે તોપોને સલામી પણ આપવામાં આવી. આખા દેશે પોતાના દેશના સુપ્રીમ લીડર માટે 3 મિનિટનું મૌન પાળ્યું. ટ્રાફિક પણ થંભી ગયો. લોકો પોતાના વાહનોમાંથી ઉતરી અને રસ્તા પર જ કિમ જોંગ ઇલને યાદ કરતા જોવા મળ્યા. હોડીથી નદીની સફર કરનાર લોકોએ પણ પોતાના પૂર્વ નેતાને સલામી આપી. ઇરાકના કેટલાય ભાગોમાં પૂરથી દહેશત. ઇરબિલ વિસ્તારમાં કુદરતો કહેર જોવા મળ્યો. 8 લોકોના મૃત્યુ થયા છે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ભયંકર તબાહીના દ્રશ્યો સર્જાયા. કેટલાક રહેણાંક વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી ફરી વળતા આફત. ઠેર ઠેર પાણીથી માટી પણ ધસી આવી હતી, જેને લઈને કીચડની ચાદર ફેલાઈ હતી. તો કેટલાક ઘરોમાં કીચડ ફેલાતા હાલાકી હતી. અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં હિમવર્ષાથી તબાહી. ભયંકર ચક્રવાતને કારણે બરફના મોટા થર જામી ગયા હતા. શાસક કાઉટીમાં રસ્તા ઉપર કેટલાય ફૂટ બરફ જામ્યા હતા. અમેરિકાના મેનિસોટામાં બે શક્તિશાળી ચક્રવાતે શહેરમાં મચાવી છે તબાહી. મધ્ય અમેરિકાના નેબ્રાસ્કા અને આયોવા રાજ્યમાં તાંડવના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. ફક્ત મિનેસોટામાં જ 35-40 મકાનો તૂટી ગયા હતા. તો કેટલાક વાહનો પણ કાટમાળમાં ફેરવાયેલા જોવા મળ્યા. વીજળીના થાંભલા, વૃક્ષો સહિત હોર્ડિંગ્સ પણ તૂટી ગયા. ઇઝરાયલની રાજધાની યરુશલેમમાં પ્રદર્શનકારીઓ ઉપર ભડકી પોલીસ. પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસ ઉપર ખુરશીઓ ફેંકતા પોલીસે લોકોને હટાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોકે એક મીડિયાકર્મીને માર મારવામાં આવ્યો. અફઘાનિસ્તાનમાં કેદ રહેલી મહિલાઓએ ફરી એક વખત તાલિબાની વિરુદ્ધ બળવો કર્યો છે. ફક્ત 4 મહિનામાં જ કામકાજ કરી રહેલી મહિલાઓનું ઘર બહાર નીકળવાનું થઈ રહ્યું છે બંધ. તો કેટલીક જગ્યાઓ પર સ્કૂલે જવું પણ નસીબમાં નથી રહ્યું. રાજધાની કાબુલમાં મહિલાઓએ સમાજમાં બેદરકારી અને કામ કરવાની આઝાદીની માંગવા માટે મોરચો ખોલ્યો છે. મહિલાઓનો આરોપ છે કે તેમના પરિવારને ભોજન માટે તડપડવું પડે છે. ફિલિપીન્સમાં શક્તિશાળી ચક્રવાતને કારણે 1 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું. ભારે મુશળધાર વરસાદને કારણે કેટલાક વિસ્તારો પર પૂરની આફત. ફિલિપીન્સના સુરીગાઓમાં વરસાદ થંભવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. તો બીજી તરફ કોસ્ટગાર્ડે પણ લોકોને જીવ બચાવવા માટે રાહત બચાવની કામગીરી શરૂ કરી. પેપર લીક કાંડમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 8 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. પોલીસે હિંમતનગરથી 23 લાખની રોકડ કબજે કરી ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ. હેડક્લાર્ક પેપર લીકના 8 આરોપીઓને 9 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. 8 આરોપીઓના 27 ડિસેમ્બર સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર. પોલીસે 14 દિવસના રિમાન્ડની કરી હતી માંગ. સાબરકાંઠા પેપર લીક કેસ મામલે પોલીસે આરોપી દર્શન વ્યાસના હિંમતનગર સ્થિત ઘરેથી 23 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા છે. પોલીસે કહ્યું કે સરકારી કર્મચારીની સંડોવણી હશે તો થશે કાર્યવાહી. સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.